मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में सपा समर्थित वार्ड 49 से शास्त्री नगर से गौरव सक्सेना ने कराया अपना नामांकन। क्या नाम है भैया आपका? गौरव सक्सेना जी। आपने कौन से वार्ड से नॉमिनेट किया? मैं वार्ड 49 शास्त्री नगर से सपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पूछा गया। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपनी क्षेत्र की जनता के लिए? देखिए, मैं 2012 से निरंतर जो है चुनाव लड़ रहा हूँ। दो बार पार्षद मुझे क्षेत्र की जनता ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जिताकर भेजा है सभा में, और तीसरी बार भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। 10 साल से लगातार क्षेत्र की जनता ने मुझे जांचा है, परखा है, और मैं जनता के बीच में रहकर सेवा भाव से कार्य करता हूँ। मेरा पहला जो सबसे बड़ा जो रहता है चुनाव लड़ने में, मुझे क्षेत्र की जनता का मान सबसे पहले सम्मान है। क्षेत्र की जनता का, अगर क्षेत्र की जनता का सम्मान है तो हमारा सम्मान है, उसके बाद बाकी सारे विकास कार्य है। और मुझे उम्मीद है कि मुझे क्षेत्र की जनता पहले की तरह फिर से जो है समर्थन देगी, और मैं तीसरी बार नगर निगम सदन में फिर से जनता की आवाज़ को उठाने का काम करूँ। क्या आप जीतने के बाद किसी पार्टी में शामिल होना चाहेंगे या फिर? पार्टी तो बेसिकली मैं समाजवादी पार्टी से छात्र जीवन से जुड़ी हूँ जी, लेकिन मैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 2012 से चुनाव लड़ता आ रहा हूँ, और आज भी जो है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में हूँ। और बस लगातार मैं विपक्ष के रूप में अभी तो समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम करता हूँ।